Yeah. Hit the like and the bell button and subscribe my channel for the new updates and the new videos. Thank you. Assalamu alaikum guys, kaise hain? Umeed karta hu ki aap sab khairiyat se honge. लास्ट टाइम मैंने आपसे मीडिया के बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको चंद ऐसे प्रोग्राम्स और टीवी चैनल्स बताऊंगा जो सही लोगों तक इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं और या बिल्कुल सही बता रहे हैं या आपको झूठ नहीं बोल रहे. तो जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान खान ने तमाम तर मीडिया चैनल्स के ऊपर उन्होंने जो है ना एड्स बंद कर दिए हैं. जैसे कि नवाज शरीफ ने पिछले साल 4 अरब रुपये के सिर्फ और सिर्फ इश्तहारात मीडिया चैनल्स को दिए थे, तो इमरान खान की हुकूमत में उन्होंने वो एड्स बंद कर दिए हैं, सवाबदीदी फंड बंद कर दिए हैं. तो अब आखिर उन्होंने तो अपना गुस्सा निकालना है. काफ़ी चैनलों के जो होस्ट थे उन्होंने अपने रेट्स गिरा दिए हैं, काफ़ी लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया. तो उस वजह से अब ये सब इमरान खान के पीछे पड़ गए हैं, हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं. कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो अभी भी अपना काम बिल्कुल सही कर रहे हैं. जैसे कि अब हम मीडिया से शुरू करते हैं, पहले टीवी चैनल से शुरू करते हैं. डॉक्टर शाहिद मसूद हैं, वो काफ़ी सालों से अपना बहुत ही अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं. आप उनको डॉक्टर शाहिद मसूद के नाम से सर्च कर सकते हैं. वो काफ़ी अरसे से अपना काम, अपना फ़र्ज अंजाम दे रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं. उसके बाद नदीम मलिक हैं, ठीक है ना, मालिक हैं मोहम्मद मालिक और मुबशर लुकमान हैं. ये 3-4 एंकर अभी भी अपना काम काफ़ी हद तक वो कर रहे हैं. आखिर हर किसी पर मजबूरी होती है, हर किसी पर उनका पीछे से प्रेशर होता है, लेकिन मोहम्मद मालिक और मलिक नदीम और मुबशर लुकमान और डॉक्टर खसूसन डॉक्टर शाहिद मसूद, वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं. आप इनके प्रोग्राम सुने, आपको असल हकीकत का पता लगेगा, ना कि जियो ARY समा और ये वर्ल्ड न्यूज़ और इस तरह से एक्सप्रेस न्यूज़, ये ना सुने आप. ये सिर्फ़ आपको मायूसी नाउमीदी फैला कर आपके आप तक वो करना चाहते हैं. अब आप कल देखें, कल ये जो इनके उन्होंने धरना दिया है बाहर शहबाज शरीफ के खिलाफ, चलें जी मैं मान लेता हूँ, मैं नून लीगियों की मान लेता हूँ कि शहबाज शरीफ एक इंतहाई निहायत ही शरीफ और पाकसाज इंसान है. नवाज शरीफ तो एक फरिश्ता सिफत इंसान है, चलें जी मान लेते हैं, कोई मसला नहीं. तो कोई मुझे ये तो बताए कि पाकिस्तान का कर्ज़ा जब मुशर्रफ छोड़ के गया तो 6,000 अरब रुपये था, ठीक है. तो अब मुझे कोई ये तो बताए, ये फिर जरदारी की हुकूमत में 13,000 अरब रुपए काम पहुंच गया. पाकिस्तान में कोई अच्छे काम हुए? लोड शेडिंग, पैसे हो रही है, ठीक है ना, और मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे हो रही है. सारे इदारे वैसे ख़राब हुए हुए हैं, हर चीज़ बर्बाद हुई भी है, हर चीज़ बर्बाद हुई भी है, ठीक है ना. रिश्वत के बग़ैर तो पत्ता नहीं हिलता. अगर आप कोई चीज़ हुकूमती सरकारी काम या प्राइवेट काम आप कुछ करवाने जाएँ बग़ैर चाय पानी के खर्चे के, तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता. तो अब मुझे आप बताएं, तो फिर क्या अच्छा काम हुआ है? दूध शहद की नहरें बह रही थीं, लोड शेडिंग तो मैं कहता ख़त्म ही हो गई थी. हम तो पता नहीं जैसे अमेरिका में रह रहे थे, पता नहीं स्विट्ज़रलैंड में हम रह रहे थे कि जहाँ पर बिजली तो जाती नहीं थी, ठीक है. तो अब मुझे बताएं ना, फिर ये कहाँ गए? ये 6,000 अरब से 13,000 अरब हो गया, अब 28,000 से 30,000 अरब रुपए का कर्ज़ा चढ़ा हुआ है हम लोगों पे. तो ये कहाँ से बढ़ गए? इतने हज़ार अरब रुपए भी लग गए, पाकिस्तान और नीचे चला गया, ठीक है ना. और इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, तो इससे साबित होता है कि हाँ, इन्होंने वाकई कमाल का काम किया है. करप्शन में, करप्शन में तो इन लोगों ने इंतहा का VIP काम किया है कि उसके बारे में तो आप लोग वो कर ही नहीं सकते, इन मुकाबला ही नहीं है सर. आप नून लीगियों से करप्शन के मुकाबले में मुकाबला ही नहीं कर सकते आप, ठीक है ना. तो आप अच्छे करें. अब आप आते हैं न्यूज़ चैनल के उसमें कि कौन सा न्यूज़ चैनल मीडिया सोशल मीडिया पर आपको सुनना चाहिए. अब ये नून लीगियों ने ये फेसबुक भरी हुई है, ठीक है ना. उसके बाद काफ़ी ये रॉ और CIA के एजेंट्स हैं, इन्होंने फेसबुक पे बहुत फजूल से जो है ना पोस्टें डाली हुई हैं और ये वो फलान टीम का. सर ये सारा ही सारा आपको ब्रेन वॉश करने का चक्कर है कि इनको ब्रेन वॉश करो, इनको बार 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 एक चीज़ बताओ ताकि ये उस पर फिर कन्वेंस हो जाएं कि हाँ भाई हमने ये ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं. इमरान खान तो कुछ कर ही नहीं रहा, उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसने तो कुछ भी नहीं किया, ये हो गया, फलां हो गया, टीम का हो गया. तो सर अगर आप
सोशल मीडिया पे देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे एक चैनल है हकीकत टीवी। मैं उसको पिछले कई महीनों से सुन रहा हूँ, क्योंकि अब हम तो पाकिस्तान में नहीं हैं सर, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा पाकिस्तानी होने के नाते इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि हम आप तक थोड़ी बहुत ही जितनी इन्फॉर्मेशन हमें है वो तो पहुँचाएँ। तो यूट्यूब पर एक चैनल है हकीकत टीवी, वो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन और मीडिया पे जो नहीं हो रहा वो आपको बताते हैं कि मीडिया पे ये नहीं हुआ, लेकिन हकीकत में असल में ये हुआ है, और इमरान खान की हुकूमत ने क्या किया है या अदालतें क्या कर रही हैं, वो आपको एक एक चीज़ सच बताते हैं। तो प्लीज़ गाइज, आप इन तीन चार न्यूज़ एंकर्स को अगर आप नहीं सुनते तो आप एक बार सुने, एवरीथिंग डिज़र्व अ ट्राई, तो इसको एक ट्राई दें, ठीक है ना, ट्राई करें इनको, हकीकत टीवी को आप देखें, उससे उसकी पुरानी वीडियोस देखें, उनके चैनल को जाएं, उधर सब्सक्राइब करें, और आप देखें कि किस तरह से वो आपको लेटेस्ट वीडियोस देते हैं, वो आपको जैसे ही कोई इवेंट होता है उससे पहले ही आपको देते हैं, वो काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं वो लोग और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपने कोई बात करनी है तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान की हुकूमत ने इन 45 दिनों में क्या किया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और इंशाल्लाह टेक केयर, अगली बार मिलते हैं अगली वीडियो में। Hey guys, if you liked my video, please press the like button and subscribe my channel, and I'll see you in my next video. Thank you guys so much. See you.